देखिए, अजमेर के ख्वाजा मॉडल स्कूल से जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, अब इस सेंटर से यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। इन लोगों को तमाम जो क्वारंटाइन जिन लोगों को किया गया था, इन लोगों को अब अजमेर के जो बाहर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। जो गेगल थाने के पास में जो रमाड़ा रिजॉर्ट और ग्रैडिजो रिजॉर्ट है, इसके अंदर हम लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि यहाँ पर जो ख्वाजा मॉडल स्कूल है, यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उस तरीके की क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्थाएं नहीं थी, जैसे कि लोग दूसरी जगहों से लगातार जो लोगों को दी जा रही है, लोग अपनी फरमाइशी कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव नहीं थी और नेगेटिव के होने के चलते इन लोगों को यहाँ पर रखा गया था। लेकिन तमाम लोगों का ये कहना था कि उनको समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा है और उनको जो दूसरी व्यवस्था है, क्योंकि गर्मी का वक्त है, कई लोगों को वातानुकूलित कमरों की जरूरत महसूस हुई और उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को अब वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे आज सोमवार सुबह कोरोना पॉजिटिव का मामला आया है, तो जो युवक का जो परिवार है, वो तस्वीरों में आप दिख रहे हैं कि उसके परिवार को यहाँ से अब ले जाया जा रहा है। इन लोगों को भी, इन लोगों की भी अब सैंपलिंग की जाएगी, इन लोगों की भी जाँच होगी। सैंपल लेकर इनकी जाँच के बाद में ये तय होगा कि आखिरकार इनमें से क्या कोरोना से संक्रमित बाकी के परिवार के सदस्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, जो अभी तक हमारे सूत्रों से हमको जानकारी प्राप्त हुई है, जो हमने जानकारी यहाँ जुटाई है, उस जानकारी के मुताबिक ये जो शख्स के दो परिवार हैं और दो परिवारों को, एक परिवार मलुसा रोड पर रहता है और जो एक परिवार है वो डिग्गी बाजार में रहता है, और यहाँ से दोनों परिवारों को मेडिकल की टीम अब यहाँ से 108 के जरिए अस्पताल में ले जाकर सैंपलिंग के काम में जुट चुकी है। और इस घर के अंदर काम वाली जो भाइयाँ होती हैं, वो भी अतिथि दो भाइयों का जिक्र बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अब एक लंबी चेन, जितने भी कॉन्टेक्ट पर्सन है उनकी जाँच शुरू हो चुकी है, उनको लेकर अब चिकित्सा विभाग जुटा हुआ है, क्योंकि जो परिवार है, परिवार से काम वाली भाइयाँ जुड़ी हुई है, काम वाली भाइयों से काम वाले भाइयों के जो परिवार हैं वो जुड़े हुए हैं, उन परिवारों से दूसरे लोग जुड़े हुए हैं। तो उन तमाम लोगों की अब जो कांटेक्ट स्क्रीनिंग है, कांटेक्ट ट्रेसिंग लगातार जारी हो रही जारी जारी है। मेडिकल की टीम उस पर काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए, इन लोगों को जिला अस्पताल लेकर आया जाए और उसके बाद में तमाम लोगों की सैंपलिंग की जाए और इन तमाम लोगों को उसके बाद में होम क्वारंटाइन किया जाएगा। और इसी बीच एक सूचना ये भी मिल रही है कि सबसे पहले अजमेर के अंदर केस आया था, उस केस के बारे में भी जानकारी मिल रही है, कि उन तमाम जो पांच परिवार के, एक ही परिवार के जो पांच सदस्य थे कोरोना पॉजिटिव सबसे पहले अजमेर में आए थे, वो परिवार अब ठीक हो चुका है और उनको अब अपने घर वापस भेजा जा रहा है। तो उनको शिफ्टिंग का उनको भी काम चल रहा है और उनको जब शिफ्ट कर दिया जाएगा तो उसके बाद 14 दिन के लिए तकरीबन उनको अपने घर के अंदर ही होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, उनको अपने घर पर ही रहना होगा। लेकिन ये सुखद खबर भी अजमेर के लिए कि सोमवार को जो सबसे पहला मामला आया था, उस परिवार के जो तमाम लोग हैं वो तमाम लोग अपने घर आ रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से कोरोना से लड़कर अपने घर आ रहे हैं। लेकिन एक 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 नई बात और आ रही है, जैसे कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रधानमंत्री के साथ में जो डीसी चल रही है, उस डीसी ने प्लाज्मा जो थेरेपी दिल्ली सरकार की ओर से हुई, उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी उस पर अपनी सहमति जताई है और आईसीएमआर को लिखा है कि अगर आईसीएमआर प्लाज्मा थेरेपी के लिए मंजूरी देता है तो राजस्थान के अंदर भी प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार उन लोगों से ये उम्मीद करती है कि जो लोग कोरोना वायरस से लड़कर जीत कर आ रहे हैं, जिसमें अजमेर के जो पांच परिवार हैं, ऐसे तमाम बाकी के लोग भी हैं जो लगातार जीत के आ रहे हैं, तो प्लाज्मा थेरेपी में इन लोगों से कहीं ना कहीं सहयोग लिया जाएगा। भविष्य में जैसे ही आईसीएमआर मंजूरी देगी तो राजस्थान सरकार को इन लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि प्लाज्मा थेरेपी के अंदर इनके इनका उपयोग किया जाए और उसके बाद जितने बाकी के लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। लेकिन अभी अजमेर के लिए यही बड़ी खबर है कि जो ख्वाजा मॉडल स्कूल क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, इस क्वारंटाइन सेंटर से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, रमाना और पैराडीजो रिजॉर्ट में इनके रुकने की व्यवस्था की गई है, वहां पर इनको क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन अब आप वह आरोप सुन लीजिए, जो आज सोमवार सुबह जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आया है, उसके बेटे का एक आरोप भी उसने लगाया है कि किस तरीके से अस्पताल के अंदर कुछ व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने खुलकर बोला है,
और उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन को कोई मदद भी अगर चाहिए तो वो मदद हर संभव मदद देने को तैयार है, लेकिन आखिरकार सरकार और प्रशासन किसी तरीके की व्यवस्था तो आखिर करे। तो वो बयान भी सुन लीजिए। ध्यान देना अजमेर वालों इस बात के लिए, सुबह 1:30 बजे रात को शिफ्ट किया है, अभी तो कोई पूछने नहीं गया है, हम तो नेगेटिव है अभी भी। हाँ नहीं, वो तो अभी तो डाउट पे है। वो इसलिए हुए हैं कि वो मोची मोहल्ले गए थे, हमें खुद 4 दिन पहले भर्ती करा गया है, उनको कोई काम नहीं हो रहा है, गटर इतने गंदे, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर सफाई कर रहे हैं और ऐसे छोटे छोटे आदमी, हम सफाई नहीं करेंगे कोरोना हो जाएगा। 4 दिन के बाद आज उनको कल लूज मोशन की दवाई चढ़ाई है, 4 दिन बाद, वो भी ऐसे बड़े डॉक्टर ने आगे चढ़वाई कि 3 ड्रिप चढ़ाओ, नारियल पानी देने नहीं दिया, केले देने नहीं दिए, नहीं बाहर का अलाउ नहीं। इतनी गंदगी है, कोई बड़ा अधिकारी अंदर आके देखो, अगर तुम रह जाओगे तो मैं 2 महीने रहने को तैयार हूँ अंदर। हमें मालूम है परेशान करेंगे, इसलिए सामान लेके जा रहे हैं हम। नहीं नहीं बिल्कुल सही है भैया, कोई परेशानी नहीं है, और ऐलान करता हूँ 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, फैसिलिटीज लाओ 4 जनों को, 2 लाख रुपए गरीबों के नाम पे। नहीं नहीं बिल्कुल सही है भैया, फैसिलिटी, मेरी माँ है शुगर पेशेंट है, ये नहीं रह पाएगी गटर, हम इंडियन बाथरूम यूज ही नहीं करते। ये 64 हैं यहाँ पे स्कूल के अंदर, और रामाडा में भेजेंगे और पैराडाइज में भेजेंगे, जिसमें 11 रामाडा में भेज दिए जा चुके हैं और बाकी और भेजे जा रहे हैं। और किस तरह की सुविधाएं रखी है इनके लिए? सुविधाएं पूरी है, राजस्थान सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं है, हर तरह की सुविधा है। हमारे डॉक्टर एडिशनल CMHO साहब की तरफ से निर्देश आया कि इनको यहाँ से वहाँ भिजवाना है। तो क्या ये पूरी स्कूल खाली हो रही है? पूरी स्कूल खाली हो रही है। कौन सी स्कूल है? ख्वाजा मॉडल। ठीक है, आपका नाम बता दें। परमेश्वर कुमार। क्या है आपका पद? फर्स्ट ग्रेड्स।